Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna go up once again. बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है यार ये। एक बच्चे के द्वारा ये पिक्चर शेयर की गई है। इस पिक्चर में जो अभी TVF के ऊपर जो अभी एक सीरीज आई थी एस्पेरेंट करके, उसी में से इनके द्वारा ये कट किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करूं और कुछ इसका कोरिलेशन बताऊं। फिलहाल जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि UPSC का प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन हुआ है, तो कई सारे बच्चे जो हैं अभी मेल भी कर रहे थे उसी चीज़ को लेकर कि सर इस चीज़ को अब कैसे आगे लेकर चलना है। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें यहाँ पर करूँगा कि फिलहाल जो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही देखिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोरोना की वजह से कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन गई थी, जो कोरोना की वजह से चीज़ों को आगे लेकर नहीं चल पा रहे थे, तो अब फिलहाल उन्हें एक नया चांस मिला है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन दे सकें। उनको एक फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्हें बोलते हैं कि रे ऑफ होप, आशा की एक किरण मिली है ताकि चीज़ों को आगे लेकर चल सके, वरना ये लग ही नहीं रहा था कई सारे बच्चों को कि कुछ कर भी पाएंगे क्या, क्योंकि घर में किसी की डेथ हो गई है, किसी की घर में जॉब चली गई है, कई और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी हैं, कुछ लोग बीमार पड़े हुए हैं, और मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं आप लोग गिनवा भी नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे मेल आते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर कंडीशन अब ये है कि ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है, अब बिल्कुल वही काम जो यहाँ पर हो ना कि जब एक चांस खत्म हो गया तो लास्ट फिर दो अटैम्प्ट जब एक्सटेंड किए गए तो यहाँ पर फिर से बंदे ने उसको ढंग से बुनाया। तो वही अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है, जो चांस अब आप लोगों को ये मिला है ये आप लोगों को शानदार तरीके से बुनाना है। जितना दम लगा सकते हो उतना दम लगा दीजिए आप लोग, जिस तरीके से जो जो भी आप लोग जहाँ जहाँ भी आप लोगों को लग रही थी कि कमियाँ हैं, वो सारी कमियाँ ढूंढ ढूंढ कर आप लोगों को उन कमियों को पकड़ पकड़ कर मारना है ताकि ढंग से आप लोग अपनी लाइफ में एक सही मुकाम पर पहुँच सकें। तो ये जो चांस मिला है, चाहे UPSC के प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, चाहे EPFO की बात कर लीजिए, अब ये चांस आप लोगों को गंवाना नहीं है। यानी कि हर एक दिन, तो बड़ी यूनिट होगी दिन बोलना हालांकि, हर एक घंटा आप लोगों को यूटिलाइज करना है। अगर बोला है कि दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आप लोगों को बिल्कुल एक उन्हें कहते हैं कि रिग्रेस फॉलो करना है। अब आप लोगों को अपना प्लान, वो पहले होता है जब आप लोगों के पास में 1.5 साल पड़ा है, चलो यार एक आध दिन मजा कर लेते हैं चल जाएगा, अब एक एक दिन आप लोगों को ढंग से यूटिलाइज करना है। अब वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बाद में देख लेंगे जो होगा, नहीं, वो वाली चीज़ से थोड़ा ऊपर उठो, अब बिल्कुल ढंग से लग जाओ। और देखो यार, अगर एक बार को आप लोग किसी चीज़ को करने के लिए लग जाओगे ना, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को लग सकता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, जिंदगी किधर चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग उसको देखोगे, आप लोग अपने आप को एनालाइज करोगे, लगे रहोगे, भले ही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लगे रहोगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ आगे बढ़ने के बाद में रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो थोड़ा सा टफ लगता है, उसके बाद में फिर आप लोग चीज़ों को हैबिचुअल हो जाते हैं, आप लोगों की आदत पड़ जाती है और फिर वो चीज़ें आप लोगों को आसान लगने लगती है जो टफ लगती है। अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर अभी 5-6 घंटे से ज़्यादा बैठने में दिक्कत होती है, इससे ज़्यादा बैठकर पढ़ ही नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए टाइम लीजिए, डेली कोशिश कीजिए 10-10, 15-15 मिनट बढ़ा दीजिए। अगर आप लोग डेली 15 मिनट भी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 4 दिन के अंदर अंदर 1 घंटे की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो इस तरीके से आप लोग देखकर चलिए, छोटी छोटी चीज़ें तो करनी होती हैं यार। जैसे कि बोला था ना कि अगर एक एक ईंट आप लोग जोड़ोगे तो घर बन जाएगा, वही चीज़ें आप लोगों को लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है, पर लेकिन जब ये छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं एक जगह इकट्ठी होकर तो वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का हमेशा, कि कोशिश ये करनी है कि बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आज इतना पढ़ना है बस, काम खत्म करना है, टेंशन किस चीज़ की लेनी है, कोई आप लोगों को बोल तो रहा नहीं है, प्रेशर डाला है आप लोगों को ये करना है काम, आपने खुद ने डिसाइड किया है, तो अपने हिसाब से आप लोगों ने डिसाइड किया, अपने हिसाब से फॉलो करना है। तो इस तरीके से अगर चीज़ें आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी तो आप लोगों को आप लोगों के गोल तक पहुँचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ओके।